आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अभी तक जो हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी सबसे पहले जान जो मैंने आप लोगों ने पहले जानते होंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट, जैसे मान लीजिए मैंने कोई इक्वेशन लिखी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, इसमें जो भी ये वैल्यूज होती है जो कि x के साथ होती है इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं, और जिस वैल्यू में रखने पे कोई वैल्यू, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं इस इक्वेशन में कोई भी एक वैल्यू रखता जाऊँ तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो ये होता है वेरिएबल। तो हमने पिछली क्लास में जैसे पढ़ा हुआ है कि ये जिसमें कि वेरिएबल एक हो ये वन वेरिएबल वाला इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसी के साथ क्योंकि हम टू वेरिएबल का पढ़ रहे हैं तो जो भी इक्वेशन, जैसे कि मान लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, अगर इस तरह का कोई इक्वेशन हो जिसमें कि एक x हो दूसरा y हो, जरूरी नहीं है ये x और y ही हो, इसकी जगह a b c d कुछ भी हो सकता है, बस शर्त ये है कि दो अलग अलग होने चाहिए वेरिएबल। तो इस तरह की जो भी इक्वेशन आती है उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। अब ये समझने की बात है कि इसका क्या मतलब है। मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ कि एक आदमी के पास दो सेब और तीन आम है, दो सेब और तीन आम, तो इसको अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो ये जो मेरी वैल्यूज है ये एक्स और वाई में कन्वर्ट हो जाएगी, means 2x plus 3y। अब यहाँ पे जो है मैंने सेब को रिप्रेजेंट कर दिया है x से और आम को रिप्रेजेंट कर दिया है y से, तो इस तरह से जो भी हम अब इसके इक्वल टू में आप जो भी कोई वैल्यू, अगर ये नंबर मान लो टोटल नंबर मैं लिखना चाहता हूँ कि दोनों को मिला के इतना नंबर होता है, ठीक है, तो वो मैं लिख सकता हूँ, जैसे 15 कोई नंबर आ जाता है मुझे इन सबको जोड़ने के। तो इस तरह से जो चीज़ें जिन, अगर मैं कोई दो चीज़ों की क्वांटिटी को कंपेयर कर रहा हूँ या उनको एक इक्वेशन में रखने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के केस में आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपके कक्षा 9th में क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 में है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब इसमें सबसे पहले देखिए ये लिखा हुआ है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स, कॉस्ट ऑफ नोटबुक यानी नोटबुक का जो हमें कॉस्ट लेना है वो लेना है एक्स, एंड दैट ऑफ पेन इज वाई, और कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू y। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। अब अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक, अगर मैं इसको जैसे उन्होंने लिखा है उसी तरह से लिखूं तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज की जगह अगर मैं इक्वल टू का साइन लगा दूं, मींस इज मींस इक्वल टू, इज इक्वल टू twice the cost of pen, twice means duna, twice the cost of pen। बहुत ही आसान है। अब जो जो ये values हमने जो equation लिखी है इसकी को हमें x और y के form में replace कर देना है। जैसे मान लीजिए हमने cost of notebook क्या है, cost of notebook is x, means मैं इसकी जगह लिख दूंगा x इज इक्वल टू टू
कॉस्ट ऑफ n मीन्स y, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x इज इक्वल टू 2y। इस तरह से हम जो भी स्टेटमेंट है उसको लीनियर फॉर्म में, मैथमेटिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब एक क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज 4.1 में ही है, जो सेकंड क्वेश्चन है कि हमें किसी भी दी हुई इक्वेशन को एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x के साथ वाला जो भी होता है कॉन्स्टेंट वेरिएबल कॉन्स्टेंट वेरिएबल कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो। अब इन्होंने कोई भी इक्वेशन मान लीजिए दे दी है, जैसे कि मैं फर्स्ट अगर इक्वेशन उठाऊं तो इन्होंने लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। जस्ट इसको कंपेयर करना है, चलो अभी फिलहाल समझने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, बार तो फिर बार बार लिखना पड़ेगा। तो अगर हम इनकी वैल्यूज को हम देखना चाहें तो हम अगर यहाँ से सिंपल कंपेयर करें, लेकिन यहाँ पे देखिए ax प्लस by प्लस c, पहले इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 2x प्लस 3y और ये जो है इक्वल टू के उस तरफ है, जबकि हमें सारी वैल्यूज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो ये इस तरफ आ जाएगा माइनस 9.35 इज इक्वल टू जीरो। अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा a की जो वैल्यू है वो है 2, y के साथ जो b है यानी b की जो वैल्यू है 3 और जो c की वैल्यू क्या है 9.35। इस तरह से हम सारे इक्वेशन में a, b और c की वैल्यू जस्ट कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं। हाँ, माइनस आएगा क्योंकि हम लोग इसमें यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 4.2 में बढ़ते हैं। 4.2 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। देखिए इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब इसको समझिए, अगर मैं यहाँ पे x की जगह कोई वैल्यू पुट करूँ, मान लीजिए x की जगह मैंने 1 पुट किया तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अगर मान लीजिए x की जगह मैं 2 पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू 3 11। और ये चीजें तब तक जारी रहेगी जब तक मैं x की वैल्यू पुट करता जाऊंगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जहां तक भी x की वैल्यू पुट करते जाएंगे उसका y का जो आंसर निकलता चला जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें कि हम कितने आंसर निकाल सकते हैं तो इसमें हम अनगिनत यानी इनफाइनाइट आंसर निकाल सकते हैं। सो इसका अगर ऑप्शन देखा जाए यूनिक सॉल्यूशन नहीं, केवल एक सॉल्यूशन होता तो हम इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते। ओनली टू सॉल्यूशन नहीं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ दो ही सॉल्यूशन आए तो हमारा थर्ड आंसर होगा, मींस बहुत सारे आंसर आ सकते हैं इनफाइनिटली, जितने चाहे हम उतने आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। राइट फोर सॉल्यूशन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2, चार सॉल्यूशन बताने हैं प्रत्येक के लिए। अब देखिए कोई सा भी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें बोला हुआ है कि राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हर एक के लिए चार सॉल्यूशन लिखिए। क्वेश्चन का पहला क्या है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7।
अब जैसे किसी भी इक्वेशन के लिए अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे आसान तरीका है, सबसे एक तरीका है, इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे वाई को या एक्स को, किसी भी एक वेरिएबल को एक तरफ रहने दीजिए। इसको अगर हम करें तो वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, ये 2x को अगर मैं उस तरफ ले जाऊं तो 7 माइनस 2x हो जाएगा। अब एक बॉक्स बना लीजिए, पेज कैसे लेके आ रहे हैं, चले जाओ, तो पेज कैसे और जितने सॉल्यूशन उसने बोले हैं उतने का बॉक्स बना लो। 1, 2, 3 और 4। अब क्या है, हमें x के रिस्पेक्ट में y की चार वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे एक में x आ जाएगा और दूसरे में y। हमें करना क्या है, हमें x में अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट करते जाना है। जैसे मैं इक्वेशन में अगर यहाँ पे x की जगह 0 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो 7 माइनस 2 इंटू 0 0 कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 7। मान लीजिए मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो 7 माइनस 2 बन जाए 2, 7 माइनस 2 5। अब मैं x की जगह यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, 3 टू 6, 7 माइनस 1 7 माइनस 6 1। आप जितनी मर्जी चाहे वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू पुट आ जाएगी। तो यहाँ पे एक और पुट कर देते हैं, 4 टू या 8, 7 माइनस 8 माइनस 1। तो ये हमारी x के कॉरेस्पॉन्डिंग में y की चार वैल्यूज आ गई। इस तरह से आप बाकी किसी भी क्वेश्चन के लिए निकाल सकते हैं। इसमें अगर आप सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है पाई, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, जस्ट पाई की जगह आपको 22/7 पुट कर देना है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है। सेम वही करना है, y इज इक्वल टू 9 माइनस 22/7 x, यहाँ x की वैल्यू पुट करते जाइए, इसको सॉल्व करते जाइए, वैल्यू निकालता जाएगा। थर्ड वाला बहुत ही आसान है, तो आप कर सकते हैं अपने आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हम देखें, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए किसी भी इक्वेशन के लिए, जैसे मैं इन्होंने इक्वेशन दे रखा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो ये किसी भी इक्वेशन के लिए ये वाले साइन पे आप अगर ध्यान दें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इक्वल टू। इक्वल टू मीन्स इसके जो भी लेफ्ट साइड में है वो वैल्यू और जो भी राइट साइड में है वो वैल्यू इक्वल है, ठीक है। अब ये इक्वल कैसे आएंगे, क्योंकि ये तो हमें, जब तक मैं एक्स और वाई की कोई वैल्यू पुट नहीं करूँगा मुझे कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं मिलेगा जिससे मैं इसको कंपेयर कर सकूँ। तो वो नंबर जो है इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट में क्या दिया हुआ है इन्होंने, 0 और 2। 0 और 2 का मतलब फर्स्ट वाला जो है एक्स है, दूसरा वाला वाई है। तो हमें सिंपली क्या करना है, जो भी हमारे एक्स और वाई के वेरिएबल है उनकी जगह वैल्यूज पुट कर देना है। यानी मैं x की जगह पुट कर दूंगा 0 माइनस 2 और y की जगह फिर 2। तो और ये मैंने लिया है लेफ्ट हैंड साइड, यानी इक्वल टू के दूसरी तरफ वाले। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। क्या ये हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है, हाँ, तो ये क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, यानी इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, मतलब कि जो है पहला वाला हमारे जो वैल्यू दे रखी है
ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। नहीं। एक और हम चेक करते हैं, एक और हम चेक करते हैं, दूसरा जो वैल्यू दे रखा है इन्होंने 2 और 0, हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 2y। अब यहाँ पे x की जगह 2, y की जगह 0, यहाँ पे पुट किया जाए 2 माइनस 0, ये आ गया 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर है? नहीं, इज नॉट इक्वल टू RHS, मींस ये भी सॉल्यूशन नहीं है। एक और चेक कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है 4 एंड 0, फिर से LHS इज इक्वल टू x माइनस 2y, x की जगह 4 माइनस 2 और 0, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। अब क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर है? yes. बिल्कुल, इज इक्वल टू RHS, मींस ये जो हमारी वैल्यू है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यस, इज सॉल्यूशन। तो इस तरह से अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड से मैच कर जाती है तो वो आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। इसमें एक थोड़ा सा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, एक्स की वैल्यू 2 माइनस वाई की वैल्यू 4 अंडर रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 माइनस 8 अंडर रूट 2, 4 2 8 अंडर रूट 2 माइनस रूट 2, ये हो जाएगा आपका माइनस 7 अंडर रूट 2, ये भी आपका इसके बराबर नहीं है, मींस ये भी सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट बहुत इजी है, आप उसको खुद भी ट्राई करके सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत ही एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9 का, वो आप ट्राई करो, मैं भी कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के मीन के कोई वैल्यू है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इफ अगर x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 1 है, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, कि ये जो है सॉल्यूशन है किस इक्वेशन का, 2x + 3y इज इक्वल टू k। कहने का मतलब क्या है, कि वो कह रहा है कि आप k का कोई मान बताइए जिसके लिए यदि x की वैल्यू 2 पुट किया जाए, y की वैल्यू 1 पुट किया जाए, तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाए। अब क्या है, इसने बोला है कि सॉल्यूशन है, मींस अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं तो ये इक्वल टू का साइन सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, सिंपल x की जगह 2, y की जगह 1 पुट कर देना है, 2 + 3 = 1 इज इक्वल टू के, 4 + 3 इज इक्वल टू के, यानी के इज इक्वल टू हो गया आपका 7। ये आपका 4.2 एक्सरसाइज तक फिनिश हो गया। नेक्स्ट अगली क्लास में।